1989 में स्टार्ट की थी। खाल उतार देंगे, हाँ छोटे छुटने वाला तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेके आया हूँ। और आज के व्लॉग में आपको एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही पहलवानी में करते हुए दी है। तो ये हमारे आदरणीय अंकल जी। तो अंकल, सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामोत्तर यादव, गाँव बादशाहपुर। अच्छा, मैं गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली वहाँ प्रैक्टिस करते हैं गुरु जी के पास। अच्छा, 1989 में स्टार्ट करी थी। 2 साल यहाँ नेहरू स्टेडियम गुड़गांव में, उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया था गुरु हनुमान अखाड़ा। वहीं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती पार्टिसिपेट किया मैंने। अच्छा, तो जैसे अंकल मैं देख सकता हूँ आपके पूरे कमरे में कई सारे अवार्ड रखे हुए हैं, तो एकदम से मतलब पहलवानी का कैसे मन किया आपका? भाई ऐसा है, पहले ये टेलीविज़न और ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी और जो है आउटडोर गेम होते थे। हाँ जी, जैसे कुश्ती, कबड्डी, गांव देहात का जो होता था हमारा, तो इसमें बहुत समय कम मिलता था हमें। पढ़ाई का भी ऊपर प्रेशर होता था। हाँ जी, और घर के काम का भी, खेती बाड़ी का। किसान के बच्चे हैं, उस टाइम पे ऐसी साधन सुविधाएं थी नहीं यहाँ, तो बड़ा मन करता था कि हम एक बड़े पहलवान बने, नाम 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 कमाना है देश में। या तो 2 शौक थे मेरे, या तो मैं फौज में जाऊँ। अच्छा, देश की सेवा करूँ या फिर पहलवान करूँ। तो वही मतलब देश की सेवा पहलवानी करके भी आपने करी है ना। तो आप कौन कौन से आपने ओलंपिक्स में आप खेले हो? ओलंपिक्स तो नहीं जा पाया मैं, बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंटों में भाग लिया। फिर एशियन गेम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अच्छा, टूर्नामेंट कई हुए हैं, उसमें गया हूँ। अच्छा, तो जैसे मैं देख सकता हूँ अंकल, काफ़ी सारी फ़ोटो यहाँ पे आपने लगा रखी, तो आप ये बता सकते हो कौन कौन है इन फोटो में एक बार? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये हमारे जो टूर्नामेंट आप कराते थे, सुशील कुमार है ये। अच्छा, जो 2008 में ओलंपिक में गए थे। हाँ जी, हाँ जी, और मेडल लेके आए थे 2008 में सुदर्शन जी महाराज ने। अच्छा, पहली बार ये बोल दिया था। हमारा जनवरी में टूर्नामेंट होता था, 14 जनवरी को, मकर संक्रांति पर। हाँ जी, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराते हैं। इंडिया के सारे जितने भी टॉप मोस्ट पहलवान हैं सारे भाग लेते थे। तो सुशील कुमार हमारे 2 सेकंड नंबर की कुश्ती जीतते थे। अच्छा, सुंदर सिंह महाराज ने पहले घोषणा कर दी थी, मतलब ये लड़का देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो 2008 में हमारा जनवरी में टूर्नामेंट हुआ था, 14 जनवरी को, और अगस्त में ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक में मेडल लेके आया था पहले। अच्छा, ओलंपिक में ये मेडल लेके आए थे। इससे अगर हम आगे बढ़ते, और कौन है? ये हमारे दंगल के हैं, मेरा है, ये छुट्टी पे होती थी जो एरिया में दंगल होता था। अच्छा, हाँ, राम नरवीर सिंह आत्मलवारे हैं। जी, हमारे नेताजी दिल्ली से हैं, बदरपुर वाले, राम सिंह जी, विधायक जी। वो नेशनल का है, मैं नेशनल फर्स्ट आया था उदयपुर। अच्छा, तो मतलब अंकल आपने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं और इतना सारा नाम कमाया है। यहाँ मैं देख सकता हूँ उस साइड भी, वहाँ पे मेडल वेडल हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं कई सारी ट्रॉफीज। तो अब आप इतने साल आपने पहलवानी में गुजार दिए, तो अब मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही, आने वाले समय में जो उतने भी हमारे जो साधन सुविधाएँ नहीं थी, वो सुविधाएँ हमने यहाँ उपलब्ध कराई है। और बच्चे हमारे आने वाले यहाँ गुड़गांव जिले के बाहर निकल के जाएँ, जो साधन सुविधाओं का अभाव हमने महसूस किया था, वो सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं गुड़गांव, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लेते, और ये हमारा शौक है पर्सनल। अच्छा, दादालाई जमीन नहीं है, जमीन मैंने खरीदी थी, खरीदी भी अपने बिजनेस के लिए थी, सेल परचेज के लिए। लेकिन कुछ हमारे जो पुराने साथी थे और हमारे जो कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा भाई गुरु जी इस चीज़ की हमें जरूरत है। तो मैंने कई बार यहाँ रिक्वेस्ट करी थी, विधायक जी से, राम नरवीर सिंह थे, तेजपाल तंवर जी थे, और जितने भी हमारे मंत्री संतरी यहाँ आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी भाई कोई ज़मीन उपलब्ध करा दो, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो लास्ट में मैंने सोचा, मैं यार परमात्मा ने सबने ही मौज कर दी है, तो मैंने ये ज़मीन जो है अखाड़े के नाम ही रजिस्टर्ड करा रखी है और अखाड़ा इसमें बना दिया है। और ये सारा कोई 1 रुपये की सिस्टम बना लीजिए, सारी निजी कोस्ट से परमात्मा ने ऐसी शक्तियाँ मिली है। तो हमने इसको खरीदा भी था, और इस पर जितनी ऊपर लागत लगी हुई, जो हॉल रेसलिंग हॉल बना रखे डबल मैट का, मिट्टी का है, हॉस्टल है, किचन है, वॉशरूम, सारा आप देख रहे हैं। ये आपका ऑफिस है गुरु हनुमान जी की कृपा से, यहाँ हम इस स्तर पर आज खड़े हैं और नेशनल इंटरेस्ट लेवल तक के हमारे पास खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो अंकल जैसे आपने अखाड़े के बारे में बताया, कोई अगर मेरे चैनल के द्वारा कोई अगर आना चाहता हो तो आप सबसे पहले अपने अखाड़े का नाम बता दो। ये है अखाड़े की हमारे गुरु हनुमान व्यायामशाला। अच्छा, और विश्वविख्यात पतंजलि द्रोणाचार्य गुरु हनुमान व्यायामशाला रामोत्तार कुश्ती अकेडमी। हाँ जी, और ये पड़ता कहाँ पे? ये अपना बादशाहपुर एरिया में अखिलपुर गाँव की लैंड है। तो अखिलपुर गांव की साइड जब हम चलते हैं तो ये पड़ता है राइट साइड पे, है ना। तो भाई कोई भी अगर आना चाहता हो, किसी को भाई जैसे कुश्ती का शौक हो जैसे अंकल को था, और भाई अपने देश के लिए नाम बनाना चाहता है या खुद का नाम रोशन करना चाहता है, तो ज़रूर यहाँ पे आए। फ्री ऑफ कॉस्ट अंकल जी यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और अंकल जैसे कोई दूर से आता है तो क्या उसके लिए रहने वहने के लिए भी कुछ सुविधा है? हॉस्टल की सुविधा है हमारे पास यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना और ट्रेनिंग तो फ्री है ही है। बच्चे की डाइट का प्रबंध है, कोई गरीब घर का बच्चा है उसका जो टैलेंटेड है उसका हम डाइट का प्रबंध करते हैं, घी का, बादाम का, दूध का, ये चीज़ें हम उसको देते हैं। आप जैसे साथियों को बोल गए वही कुछ हेल्प कर दो, कुछ हम करते हैं। हाँ जी, और बाकी मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, यहाँ नेचुरल एक्सरसाइज होती है और नेचुरल ही डाइट है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं। जो आजकल बच्चे हमारे युवा जो बहकरे हैं, जिम वगैरह का सहारा ले रहे हैं, जो आजकल बीमारियाँ चल रही देख रहे हैं आप, हार्ट अटैक हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, जो जो दूसरे प्रकार के ड्रग्स वगैरह का सहारा ले रहे हैं, स्टेरॉइड जो ले रहे हैं, उससे एक हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं वो युवा हमारे। इसीलिए वहाँ उस लाइन में ना जाए और यहाँ आए और नेचुरल तरीके से हम एक्सरसाइज कराते हैं, नेचुरल ही डाइट देते हैं। इस अंकल मैं ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने ये रख रखे हैं गधे, यूज कैसे होते हैं ये? भाई गधा जो है ये टाइटल टूर्नामेंट होते हैं केसरी के। अच्छा, पहला जिला गुड़गांव केसरी में बनाया था भाई 96 में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने स्टार्ट करवाया था, उसमें बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। हाँ जी, उस टाइम अपने ये एसडीएम साहब थे मेहताब सिंह सरावत। अच्छा, इन्होंने मेरे को सम्मानित किया था, पहला गुड़गांव केसरी में बना था और लगातार 4 बार बना, एक ही बारी में, है ना, हर साल। हाँ, हर साल मतलब वही लगातार। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, आपने पहलवानी में इतना नाम कमाया। यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा। अच्छा, तो बड़े जो अपने एरिया के दंगल होते सारे में बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ते थे जी। तो चलो अंकल, ये तो हमने बात कर ली आपके एक्सपीरियंस की, आपने जितना नाम कमाया, सारी चीज़ें आपने हमारी ऑडियंस को बताई। तो अब एक बार ज़रा हम आपकी एकेडमी का एक बार टूर कर लेते हैं ना, क्या क्या चीज़ें आपने बना रखी है, कैसे कैसे है, और कोई अगर बंदा आता है तो क्या क्या उससे प्रोसीजर होगा यहाँ पे एडमिशन लेने का, है ना? यही है उसका जो आई डी वगैरह हम जमा कर जरूर करते हैं, कोई गलत बच्चा ना आए और यहाँ आके हमें डिस्टर्ब ना हो, कोई गलत काम करके आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, साफ सुथरा कोई स्टूडेंट अच्छा बच्चा आता है तो हम उसको निश्चित तौर पे एक अच्छा खिलाड़ी बना के यहाँ से भेजते हैं। आओ हम दिखाते हैं। तो भाई ये रस्सा यहाँ पे लगा रखा अखाड़े में, तो अंकल ये चीज़ क्या है, कहते क्या है इसे? ये हाथों से रस्सा चढ़ाया जाता है, इससे हाथों को हमारी जो ग्रिपिंग पावर है, हाँ जी, वो मजबूत होती है। अच्छा, नेचुरल एक्सरसाइज है, तो बनावटी नहीं है, जिम की मशीन ने कर ली तो ये डोले बना लिए, इससे मजबूती ऐसी हो जाती है। किसी का हमने पोचा पकड़ लिया जैसे यहाँ से, हाँ, तो छुटेगा नहीं। अच्छा, हाल उतार देंगे, छोटे छुटने वाला नहीं। तो इसमें क्या कोई रूल भी होता है कि पैर नहीं लगना चाहिए? सिर्फ हाथ पैर नहीं लगाते हम इसमें, सिर्फ हाथ से चढ़ते, हाथ से ही उतरते हैं। अच्छा, बच्चा चढ़ के दिखाएगा आपको लक्ष्य। अच्छा, इससे तो हाथ भर जाते होंगे। अच्छा, तो यही वो मेन जगह होती है जहाँ पे कुश्ती होती है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे से कस्सी मारने से होता क्या है इसमें, जैसे मिट्टी अभी पीछे इसकी जो है टाइटनेस खत्म हो जाती है, ये गद्दे टाइप हो जाता है, इसमें चोट नहीं लगती। अच्छा, तो इसे ऐसे वो कर पहले इसे पूरे प्लेन करते हैं, है ना, उस वाले उससे जो वहाँ पे रखा हुआ है लक्कड़ का वो, फिर उसे ऐसे खोदते हैं, है ना, प्लेन करते हैं, इसको दो कुश्ती करते हैं। तो अंकल आप ये बताओ, आपकी इस अकेडमी में टोटल बच्चे कितने हैं? भाई हमारे पास 100 के लगभग बच्चे हैं और प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। तो 2 ही बैच होते हैं, एक सुबह के और एक शाम। सुबह वाला कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह उठ के रनिंग वगैरह करके आते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज होती है। और शाम का टाइम जो है 5 बजे शुरू हो जाता है, सीटी दौड़ पीटी करके उसके बाद जोर शुरू होता है। अच्छा, रबड़ के गुड्डा हो जाते हैं, कूद रहे हैं, यही तकनीक काम आती है। और क्रिकेट उसमें जिम में जैसे हो जाते हैं अगर कोई टेक्निक लगा दे चिट्ठी पड़ेगा इसी को। तो अंकल जैसे ये चीज़ आप करवाने लग रहे हो तो इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती, दम कम। अच्छा, स्टैमिना हमारा हल्का सा पहलवान 65 किलो का और जिम का 100 किलो का, उसको 2 मिनट में दौड़ चटा देगा। अच्छा, 2 मिनट रुकेगा नहीं उसके सामने। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि भाई जो कुश्ती जो होती है वो एक जैसे सेम वेट के उससे होती है, फिर ऊपर नीचे का भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस जो कराते हो तो अलग अलग करा लेते हैं, हल्के भारी भी हो जाती है, लेकिन जो टूर्नामेंट होते हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल, वो सेम वेट कैटेगरी में होती है। अच्छा, उससे पहले कोई कुछ तैयारी भी होती है टूर्नामेंट से पहले? बिल्कुल, तैयारी करके जाते हैं, सालों लग जाते हैं, साल भर तैयार करके नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो है तैयारी करके जाते हैं बच्चे। जैसे बॉडी लाइन के जो कंपटीशन होते हैं उनमें क्या है कि एक हफ्ते पहले खाना वाना छोड़ देते हैं ना, तो ये कुछ सिस्टम ऐसा, तो क्या कुश्ती में भी कुछ ऐसा हुआ है? यार कुश्ती में तो ज़्यादा डाइट लेनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, वेट कंट्रोल में रखते हुए, अभी उसमें वेट की छूट नहीं होती, और अपना वेट जो बॉडी वेट पूरा प्रॉपर रखना है होता है, हम अपने उसी वेट फैट कम कर देना होता है। तो भाई प्रैक्टिस तो सारी देख ली, क्या 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 एक्सरसाइज होती है। अब बारी है मेन कुश्ती की, फाइट की। आगे चले जाए, आगे चले जाए, प्रैक्टिस है। तो भाई मैट की कुश्ती तो हमने देख ली दो, अब बारी है जो असली कुश्ती जो होती है, जो कि होती है मिट्टी की कुश्ती, वो देखने की बारी है। तो भाई सारी चीज़ें देख के हम वापस आ चुके हैं अंकल के ऑफिस में। और आप लोगों ने खुद देख लिया होगा जिस तरीके से अंकल अपने बच्चों को ट्रेन करवाने लग रहे हैं, है ना। और जिस तरीके से वो दाव मारते हैं, हर किसी पहलवान को ऐसा ज्ञान नहीं होता। अंकल इतने सालों से अंकल खेलने लग रहे हैं, इतना ज़्यादा अंकल को एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से अंकल ट्रेन भी करवाने लग रहे हैं। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो पहलवानी में सीरियसली तो यहाँ पे आ सकता है, अंकल से मिल सकता है, ठीक है। पता आपको वीडियो में बता ही दिया है, फिर से आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ पता जो है इस अखाड़े का, वो है बादशाहपुर। बाकी मैं मैप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अंकल का नाम है रामोत्तार यादव, आप यहाँ पे आके इनसे मिल सकते हो, यही ट्रेनिंग करवाते हैं, सारी चीज़ यही करवाते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।